भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस, ढाई महीने बाद आए 22,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटों में 22,854 लोगों में संक्रमण की पुष्टि, 126 लोगों की मौत, 18,100 लोग कोरोना से ठीक। देश में कोरोना आंकड़ा हुआ 1,12,85,561, कुल 1,58,189 लोगों की मौत, 1,09,38,146 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 1,89,226 हुई। किसान मजदूर जागृति यात्रा का सातवां दिन पीलीभीत पहुंची किसानों की ट्रैक्टर यात्रा, दर्जन भर ट्रैक्टर पर सवार किसान आंदोलन के लिए हर जिले के किसानों को कर रहे हैं जागृत, हर शहर में किसानों को आंदोलन से जोड़ने की अपील। रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, अब निशुल्क लॉकर उपलब्ध कराने की हो रही व्यवस्था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहल, साफ पेयजल, निशुल्क टॉयलेट और छांव में बैठने की मिलेगी सुविधा। ताजमहल का दीदार हो सकता है महंगा, प्राधिकरण ने ताजमहल की पथकर निधि बढ़ाने का भेजा प्रस्ताव, 1 अप्रैल से भारतीय पर्यटकों को 50 रूपए की जगह 80 और विदेशी पर्यटकों को 1100 की जगह 1200 रूपए का प्रवेश शुल्क देना पड़ सकता है। रानीखेत के रैली गांव में आदमखोर तेंदुओं को शिकारी ने किया ढेर, कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग को तेंदुओं ने बनाया था अपना निवाला, ग्रामीणों की मांग के बाद विभाग ने तेंदुओं को आदमखोर घोषित किया और उसे मारने की परमिशन ली थी। बिजनौर से आए शिकारी ने बीती रात तेंदुओं को मार गिराया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उन्हें बुधवार की शाम को कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि सीएम ममता बनर्जी अगले 48 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को विधानसभा में 1.55 लाख करोड़ का बजट पेश किया और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2,500 रूपए प्रति माह का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम और पिंजौर में फिल्म सिटी विकसित करने का ऐलान भी किया। रोहित शर्मा को पहले कुछ मैचों में आराम दिया गया है, पहले टी20 मैच में ओपनिंग में शिखर धवन और लोकेश राहुल उतरे, ऋषभ पंत फिर से विकेट कीपर की जिम्मेदारी में लौटे हैं और राहुल ओपनिंग में, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की। भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान और स्टार बल्लेबाज मिताली राज ने फिर से इतिहास रच दिया, मिताली 10,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में एने बॉश की गेंद पर चौका लगाते ही मिताली ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का ट्वीट सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, दरअसल उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस ट्रेमलेट के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की और लोगों से पूछा कि उन्हें ट्रेमलेट जैसा बनने के लिए कितने ऑमलेट खाने पड़ेंगे। कुछ लोगों ने सचिन को मजेदार जवाब देते हुए 20 से 25 अंडे खाने की सलाह दे डाली। 3 दिनों की मजबूती के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 487 अंकों की गिरावट के साथ 50,792 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 143 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 15,030 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। शुक्रवार को सोने चांदी के रेट में गिरावट, 12 मार्च को 24 कैरेट सोना 79 रुपए सस्ता होकर 44,601 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला और 348 रुपए के नुकसान के साथ 44,332 पर बंद हुआ। वहीं चांदी की चमक सुबह बढ़कर शाम को हुई डाउन, 110 रुपए प्रति किलो की मजबूती के साथ 66,480 पर खुली चांदी, वहीं 529 रुपए गिरकर 65,841 पर बंद।